नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पे। और इस बार मैं आपके लिए दो बॉक्स लेके आया हूँ रिपल कंपनी का। एक आपका ये एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है जो OTTP को सपोर्ट करता है, एक जो है आपको इनबिल्ड वाईफाई के साथ है। दोनों बॉक्स में अब मैं आपको बताऊँगा क्या क्या मिलता है और क्या क्या खासियत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूँ कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं नॉर्मल बॉक्स जो आपका एंड्रॉयड नहीं है, नॉर्मल HD को सपोर्ट करता है वाईफाई, और इसमें आप इसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं आपको इसमें इनबिल्ड वाईफाई मिल जाएगा। ये देख सकते हैं इनबिल्ड वाईफाई, सामने से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलता है। और ब्रांडिंग का यहाँ पास डला हुआ है, ब्रांड का आप देख सकते हैं रिफिल का। और पीछे साइड से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको डिश एंटीना का मिल जाएगा, USB का मिल जाएगा, फिर इसके बाद आपको HDMI का मिल जाएगा, और आपको तीन पोर्ट मिल जाएंगे। जो पहला आपको AV का हो जाएगा और दो IDO को हो जाएंगे, 12 बोल्ट एडाप्टर का 1 एम्पियर के साथ सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद बात करें इसका तो यहाँ पास वारंटी कार्ड डला हुआ है, ये आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड है इसका, तो सील पैक रहता है यहाँ पास से। और इस साइड से आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए आपको यहाँ पास से मिल जाता है। तो सामने से कुछ आप देखेंगे तो बॉक्स आपका कुछ इस तरह से दिखता है। फिर इसके बाद इसके रिमोट की बात करें तो रिमोट आपको कुछ इस तरह से दिखता है, ये रिमोट हो गया इसका। इसमें आपको रिकॉर्डिंग का यहाँ पास से ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पास से आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरह से रिमोट बैक की तरफ से देखने में मिलता है, देखने के लिए ये देख सकते हैं। इसमें आपको बॉक्स के साथ एडाप्टर हो गया, ये 4G सपोर्ट करता है ये बॉक्स, ये देख सकते हैं एडाप्टर मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर HDMI का केबल मिल जाएगा जो कि बॉक्स में आपको साथ में मिलेगा। इस बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है यहाँ पर से आप देख सकते हैं। फ्री टू एयर बॉक्स है, 4G सपोर्ट करता है, और आपको यहाँ पर से वाईफाई इनबिल्ड मिलेगा इसमें, और इसमें रिकॉर्डिंग करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, देख सकते हैं। USB को भी सपोर्ट करेगा, आप इसमें लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस इसमें जो डली हुई है, ये प्राइस आप देख सकते हैं, प्राइस डली हुई है। तो इस बॉक्स में आपको ये सपोर्ट करता है, इतनी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं इस बॉक्स के साथ। फिर इसके बाद आप आते हैं एंड्रॉयड जो आपका OTTP को सपोर्ट करता है, तो ये देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन इस बॉक्स को बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं रिपल डला हुआ है, OTTP प्लस रिडीफ रेडिस 4K बॉक्स को सपोर्ट करता है, ये 4K को सपोर्ट करता है। इसमें आप देख सकते हैं आपको 4GB रैम और रोम भी आपको इसमें मिल जाती है, 32GB के साथ सपोर्ट करता है, और HEVC 265 आपको यहाँ पर से सपोर्ट करता है। सामने से आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और डिस्प्ले के बाद आपको इस साइड पीछे साइड आएंगे तो आपको यहाँ पर से देख सकते हैं पहला आपको एडाप्टर का मिल जाता है, फिर आपको HDMI को सपोर्ट करता है। इसमें आपको LAN केबल भी आप लगा सकते हैं जो कि आपका ब्रॉडबैंड का रहता है। फिर इसके बाद आपको इसमें सपोर्ट करेगा 2 USB को, और आपको यहाँ पर AV को सपोर्ट करने को मिलता है। ये आपका डिस्क का हो गया, इसमें देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐप से आप चला सकते हैं डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, पूरी तरह से आपको इसमें सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद आपका ये आता है रिमोट, तो रिमोट इसका कुछ इस तरह से दिखता है, उसका रिमोट आप देख सके थे किस तरह था। इसमें आप देख सकते हैं पास से आप देख सकते हैं रिमोट को, इसमें सभी चीज़ को सपोर्ट करता है। ये आपका इसका एडाप्टर हो गया, एडाप्टर कुछ इस तरह से दिखता है इसका। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर मिल जाएगा HDMI केबल। इस बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको दिखा दूँ कि क्या क्या सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर से देख सकते हैं 2GB रोम बता रहा है, और 16GB रोम के साथ आपके मिलता है रैम के साथ। HEVC 265 सपोर्ट करता है, बॉक्स काफ़ी स्मूथ चलता है, मैंने चला के काफ़ी दिन यूज किया हूँ, और इसमें आपको 4K HDR सपोर्ट करता है। ये सभी ऐप्स आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे, ये सभी ऐप्स आप इसमें चला सकते हैं, बॉक्स में पहले ही आपको इंस्टॉल करके मिल जाएगा, और एंड्रॉयड 10 के साथ मिलेगा। इसको आप अपडेट करेंगे तो अपडेट के बाद आपका काफ़ी एंड्रॉयड 11 के साथ मिल जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस आप देख सकते हैं इसमें डला हुआ 3999, और OTTP प्लस H2 बॉक्स है। ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग अभी ही हुआ है, इसी मंथ का है, देख सकते हैं जुलाई 2024 का ही है। काफ़ी बेहतरीन सेटअप बॉक्स है, ये देख सकते हैं ये सभी चीज़ें आपको इसमें चल जाएंगी।
तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि दोनों बॉक्स में हमको क्या क्या मिलता है। ये देख सकते हैं, ये दोनों बॉक्स है, दोनों बॉक्स की क्वालिटियाँ आपको अलग अलग है। दोनों बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर।